सोलन जिला के उपमंडल अर्की जामा मस्जिद के अध्यक्ष राज मोहम्मद खान ने कहा कि पूरा देश कोरोना वायरस से त्रस्त है और इस समय देश संकट के दौर से गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि बीमारी किसी धर्म या जात को नहीं देखती है। उन्होंने अर्की में मुस्लिम संप्रदाय के सभी लोगों से सरकार के निर्देशों का पालन करने की अपील की है। जिला सोलन के उपमंडल अर्की जामा मस्जिद के अध्यक्ष राज मोहम्मद खान ने संप्रदाय के लोगों से अपील की है कि सरकार व प्रशासन के निर्देशों का पालन करें, क्योंकि कोरोना बीमारी किसी धर्म या जाति को नहीं देखती। उन्होंने कहा कि यह बीमारी एक संक्रमित व्यक्ति से दूसरे को, फिर परिवार और फिर समाज के लोगों में फैलती है। उन्होंने लोगों से सोशल मीडिया के अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील भी की। उन्होंने बताया कि अर्की मस्जिद को जनता कर्फ्यू के बाद से केंद्र और प्रदेश सरकार के आदेश के पश्चात तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया गया है और समुदाय के सभी लोगों को सुरक्षा के लिहाज से जुम्मा व नमाज घर में ही अता करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि अर्की क्षेत्र का मुस्लिम संप्रदाय प्रशासन एवं सरकार के साथ है। आगाह करता हूँ कि मेरी कम्युनिटी के जो भी आदमी है वो अपने अपने घरों में नमाज पढ़ें, देश और दुनिया की हिफाजत के लिए दुआ करें। हमारी जामा मस्जिद अर्की जिस दिन लॉकडाउन हुआ था उसी दिन से लॉकअप है। वह केवल इमाम ही मस्जिद की देखभाल कर रहा है। हमने अपनी कम्युनिटी में उसी दिन से आगाह कर दिया था कि सभी लोग अपने अपने घरों में नमाज अदा करें और देश व दुनिया की हिफाजत के लिए दुआ करें। यही हमारा धर्म बोलता है और यही हमारा कर्म बोलता है। कि जमात के लिए आए हैं कोई लोग यहाँ पे? कब आए हैं, कितने लोग आए हैं? जमात के लोग यहाँ नवंबर महीने में आए थे, उसके बाद हमारे यहाँ से ना तो कोई जमात मस्जिद से गई है और ना ही कोई जमात अर्की मस्जिद में आई है। वैसे भी सीधे तौर पे अर्की में कोई मस्जिद में जमात आती नहीं है, क्योंकि ये मध्य में पड़ता है। इसके चारों तरफ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हैं, जैसे बिलासपुर, शिमला, सोलन, नालागढ़। पहले ये जमातें डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे आती हैं, वहाँ इंदराज करने के बाद ही ये जमातें अर्की पहुँचती हैं। और जैसे ही अर्की पहुँचती हैं इनका रिकॉर्ड जो है पुलिस थाना अर्की में इतला दे दी जाती है। अर्की से सिटी चैनल के लिए शहनाज भाटिया के साथ दयाराम कश्यप की रिपोर्ट।